नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं किरण यादव। राजस्थान में रविवार को हुए सियासी घटनाक्रम के बाद से ही चुप रहे पायलट गुट के नेताओं ने गहलोत गुट पर जवाबी हमला बोल दिया है। पायलट गुट के मंत्री मुरारी लाल मीणा ने इशारों में मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा है। बगावत का टैब झेल रहे मंत्री मुरारी लाल मीणा ने राजधानी जयपुर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ कोई भी बगावत नहीं की। रविवार को कांग्रेस के दोनों पर्यवेक्षकों का अनादर गहलोत के मंत्रियों ने किया। कांग्रेस आलाकमान के आदेशों की तोहीन हुई है। और आपको हम बताते चले कि गहलोत कैंप के नेता लगातार साल 2020 में पायलट की बगावत को याद कर सचिन पायलट का विरोध कर रहे हैं। आपको हम ये भी बता दें कि गहलोत कैबिनेट में मंत्री मुरारी लाल मीणा, हेमराम चौधरी और ब्रिजेंद्र ओला सचिन पायलट कैंप के माने जाते हैं। मंत्री विजेंद्र सिंह और रमेश मीणा भी पायलट कैंप के माने जाते हैं, लेकिन अब पाला बदल लिया है। साल 2020 में पायलट की बगावत के चलते मंत्री विजेंद्र सिंह और रमेश मीणा को बर्खास्त भी कर दिया गया था, लेकिन बाद में कैबिनेट फेरबदल में दोनों मंत्रियों को शामिल किया गया। मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा कि हमारे लिए गद्दार जैसे असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे ज्यादा बुरी बात और क्या हो सकती है। पलटवार करते हुए कहा कि जब तक इनको मलाईदार पद मिलते रहते हैं तब तक ये आलाकमान की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही इनको झटका लगता है तो ऐसी बातें करने लगते हैं। मुरारी लाल मीणा ने इससे पूछा कि आखिर 2008 में निर्दलीय के तौर पर परसादी लाल मीणा ने चुनाव क्यों लड़ा था। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम आला कमान को मानते हैं, तो वही दूसरी तरफ से 102 में से मुख्यमंत्री बनाने की बात कहते हैं। परसादी लाल मीणा ने गलत आरोप लगाए हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए, हम केवल आला कमान तक अपनी बातें रखने गए हैं। वहां से आने के बाद हमने आलाकमान के विरोध में कोई काम नहीं किया। मुरारी लाल मीणा ने यह भी कहा कि कौन कितने पानी में है सबको पता है, चुनाव तो होने ही है। अगर मध्यावधि चुनाव करवा दे तो एक साल बाद तो होने ही है, इसमें पता लग जाएगा कि आखिर कौन कितने पानी में है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज। धन्यवाद।